हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन जस्ट गिव मी अ सेकंड इतना कंप्लीट कर लिया था कि लाइक ये वाला पेज हमारा प्रॉपर यू नो उसका यूआई डिज़ाइन करना था वो हम कर चुके हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट हमें करना है दैट विल बी दिस कि अब हमें इसके ऊपर जो भी हमें आइटम्स वगैरह अपने पुट करने हैं वो सब हम करेंगे। ओके तो जस्ट लेट मी क्लोज दिस वन। और हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा डायरेक्टरी बबल स्टार्ट हो रहा है एक्सपेंडेड वाला, है ना। तो जो हमने यहाँ पे ऊपर चीज़ें पुट की हैं, यू नो हमें हेडिंग चाहिए। हेडिंग आई थिंक ऑलरेडी वी हैव हियर। ओके तो हेडिंग भी हमारे पास में नहीं है तो हमें हेडिंग चाहिए। हेडिंग के अलावा जो उसका सोर्स वाला बटन था हमें वो भी चाहिए, राइट। और उसके अलावा हमें एक डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के लिए भी बटन चाहिए होगा, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यू नो copy this one, okay, image path तक। और ये button वाला भी जो हमारा ऊपर दिया हुआ है मैं इस सब को कर लेता हूँ copy and I will just put it into जो भी हमारा directory bubble expanded है इसके अंदर। okay, थोड़ा नाम हम change कर देते हैं। इसका नाम image path से लेके मैं इसका नाम रखता हूँ source path, ताकि हमारी जो source directory है वो हम यहाँ पर put कर पाएँ, है ना। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको भी मैंने सोर्स पाथ कर दिया। ओके तो अगेन पाथ टेक्स्ट हमारा सेम रहेगा, कुछ इसमें चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमें चीज़ें चेंज करनी है दैट विल बी कंप्रेस मल्टीपल इमेजेस। ओके अगेन नाम इसका बबल हेडिंग ही रहेगा, ताकि जो CSS है वो हम एग्जैक्ट सेम CSS हम यूज़ कर पाएंगे। ओके देन इसका जो टेक्स्ट है दैट इज़ चूज इमेज। ओके सो आई विल हियर से चूज सोर्स डायरेक्टरी। ओके अनदर थिंग, जो हमारा यहाँ पे सिंगल बबल एक्सपेंडेड है तो इसको हमें सिंगल बबल एक्सपेंडेड पे नहीं डायरेक्टरी बबल एक्सपेंडेड पे चाहिए, है ना। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ओके ठीक है तो हम लोगों ने चीज़ें चेंज कर दी। अब लेट्स सी कि हमारा ये कैसा दिखता है। रन किया, इस पर ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया चूज़ सोर्स डायरेक्टरी और उसके आगे हमारा डायरेक्टरी का वो भी आ रहा है और आगे छोटा सा एक हमारा बटन यहाँ पे आ रहा है। वन थिंग, कंप्रेस मल्टीपल इमेजेस कुछ ज़्यादा आगे लग रहा है क्योंकि जो पहले कंप्रेस इमेज का टेक्स्ट था वो छोटा था तो हमारे मिडिल में लग रहा था, है ना। तो हमें थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। तो इट्स जस्ट क्लोज दिस वन एंड यू नो जो भी हमारा ये है चूज़ बबल हेडिंग, इसको हमें थोड़ा सा इधर करना है। लेस पुट इट टू 70 और इसको रन करके देखते हैं। ओके तो आई थिंक अब ये थोड़ा सा मिडल में लग रहा है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोना डू इज एक ऐसी चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी हमें यहाँ पे चाहिए, है ना। क्योंकि इस बटन से हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी चूज़ करेंगे जहाँ की सारी इमेजेस को हमें कंप्रेस करना है, राइट। नेक्स्ट हम एक डायरेक्टरी चाहिए जहाँ की सारी इमेजेस को हमें क्या करना है भाई, जहाँ पे सारी कंप्रेस वाली इमेज हमें सेव करनी है, ठीक है। उस डायरेक्टरी को हम उस वाले बटन से चूज़ करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट यू नो जो हमने यहाँ पे लिखा चूज़ सोर्स डायरेक्टरी, ये वाले कोड को करूँगा कॉपी इन तीनों लाइन्स को। ओके देन अगेन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो सोर्स पाथ की जगह मैं इसको कर देता हूँ डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ खाली डेस्ट पाथ। ओके अगेन ये चीज़ हमारी सही है क्योंकि हमें ये इसके ऊपर ही चाहिए। और चूज़ सोर्स डायरेक्टरी की जगह पे मैं यहाँ लिख दूंगा चूज़ यू नो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। ओके तो अगेन हमारा ये सेम हो गया, सेलेक्ट इमेज लेबल और ऊपर भी हमारा सेलेक्ट इमेज लेबल है। तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली हमारा ये प्रॉपर ऐसे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, अभी हम देख लेंगे, नहीं तो उसका नाम चेंज कर दूंगा। एक काम करते हैं, नाम चेंज ही कर देते हैं कि दोनों वेरिएबल हमारे अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो सेलेक्ट इमेज लेवल की जगह पर मैं यहाँ देखता हूँ सेलेक्ट सोर्स लेवल, सॉरी ये हमारा डेस्टिनेशन वाला लेवल है, राइट। तो मैं डेस्ट लेवल कर देता हूँ। तो मैंने इन तीनों को डेस्ट लेवल यहाँ पर कर दिया, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट ऊपर जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट इमेज लेवल किया था इसको मैं चेंज करके सेलेक्ट सोर्स लेवल कर देता हूँ।
ओके तो मैंने इसको भी सोर्स लेबल कर दिया है. नेक्स्ट एवरीथिंग इज फाइन हेयर, बट ये जो हमारा ब्राउज बटन है इसको मैं कर देता हूँ, यू नो, ब्राउज डेस्टिनेशन बटन, क्योंकि ये हमारा कौन सा वाला है, डेस्टिनेशन वाला, राइट. और जो ऊपर वाला हमारा होगा ब्राउज बटन, वो हमारा कौन सा होगा, सोर्स वाला, राइट. क्योंकि हमारे पास में ब्राउज बटन और भी हैं जो हमारी सिंगल वाली इमेज वाली उस पर फ्रेम के ऊपर हमने पुट किए हैं, राइट. तो मैं उसको इस बटन से अलग कर देता हूँ. ओके तो मैंने उसको सबको सोर्स बटन कर दिया. तो अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपको ये जो नई चीज़ें हैं हमने की हैं ये शो नहीं होंगी, या फिर ये शो होंगी, जो पुरानी चीज़ें हैं वो शो नहीं होंगी. क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स रन इट. ओके तो ये ओवरराइड कर गए, क्योंकि हमने इसके जो भी यू नो एक्सेस हैं वो हमने चेंज नहीं किए कि हमें कहाँ पे इसको प्लेस करना है, राइट. तो हम इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, जस्ट यू नो गिव मी सम टाइम. ये काम कर सकते हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कहाँ गया, जस्ट गिव मी सेकेंड. जो हमारा कंप्रेस सिंगल इमेज वाला था, ये सेकंड वाला हमने चूज़ क्वालिटी वाला कहाँ पे लिखा था, राइट. तो वहाँ पे हम लिख देंगे उस वाले फ्रेम में चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, है ना. और उसके नीचे जस्ट जहाँ पे हमने ये वाला यू नो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ओके तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम सेम वहाँ पे पुट कर देंगे, राइट. सिंपल सा हमारा हो जाएगा. तो मुझे करना क्या है, जस्ट ऊपर जाना है जहाँ पे चूज़ क्वालिटी वाला हमने लिखा है सिंगल बबल वाले पे. ओके तो ये रहे हमारे चूज़ क्वालिटी के कोऑर्डिनेट्स, राइट. मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, 30 130, एंड देन जो हमारा टेक्स्ट है वो है 60 160 पे, ठीक है भाई. नीचे आए, यहाँ पे चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कर दिया 30 130, राइट. देन हमने यहाँ पे 60 कर दिया 60 160. ओके तो आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए. अगर मैं इसको रन करूँगा दोबारा तो देखो यार, यहाँ पे चूज़ सोर्स डायरेक्टरी, चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, ठीक है. और यहाँ पे हम करेंगे चूज़, लेकिन इसके आगे हमने बटन अभी तक अपना पुट नहीं किया. एक्चुअली बटन तो हमने यहाँ पे दिया है, लेट्स सी कि ये क्यों नहीं आया. ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसके डायरेक्शन जो भी हैं वो हमने चेंज नहीं किए, ठीक है. तो अगर मैं इसको भी कर दूंगा 160, तो एक्चुअली बटन हमारा पहले शो हो रहा था, लेकिन ये पुराने बटन के ऊपर शो हो रहा था, तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा था, राइट. तो अब देखो यार, यहाँ पे ये जो बटन था हमारे इसके ऊपर था, ओके. तो अब देखो, हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी, लाइक चूज़ सोर्स, चूज़ डायरेक्टरी, चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, ओके, तो ये प्रॉपर हमारा उसी वे में आ रहा है जैसे हमें चाहिए, राइट. अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए चूज़ क्वालिटी का ऑप्शन, कि क्वालिटी हमारी इमेज की क्या होनी चाहिए, ठीक है. और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक आगे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी शो होगा, जहाँ से हम यू नो एक्चुअली यहाँ पे आएगा चूज़ क्वालिटी लेबल, ठीक है. उसके नीचे एक हमारा छोटा सा लाइक हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, क्यू लाइन एडिट, ये हमारा आ जाएगा. और उसके जस्ट हाफ में हमारा आ जाएगा लाइक एक कॉम्बो बॉक्स, जिसके अंदर हमारी क्वालिटी वगैरह हम चूज़ करेंगे, ओके. तो ये चीज़ भी हम अपने सिंगल वाले से कॉपी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ओके. तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ, वापस सिंगल वाले पे जाऊँ, तो वहाँ हमने कर रखा है ये, ओके. तो ये रहा हमारा चूज़ क्वालिटी वाला, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी. ओके नीचे आए हमारे डायरेक्टरी बबल पे, ओके. तो इसको हम मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ओके. लेकिन कुछ चीज़ें पहले हमें यहाँ पे चेंज करनी होगी, जैसे कि हमारी सिंगल बबल से इसको मैं डायरेक्टरी बबल एक्सपेंडेड पे करूँगा, TIR बबल एक्सपेंडेड, नीचे भी TIR बबल एक्सपेंडेड, नॉट SIR, CIR, ओके. और यहाँ भी उप्स DIR बबल एक्सपेंडेड, ठीक है. कुछ चीज़ और चेंज करनी है, वो इनके कोऑर्डिनेट्स, राइट. हमें कोऑर्डिनेट्स चेंज करने होंगे ताकि ये अगेन हमारा जो पुराने वाला ऑब्जेक्ट है उनको ओवरलैप ना करे. तो अगर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के लिए अगर आपको प्रॉपर यू नो सही जगह पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पहले हम ऊपर वाले में देख लेते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस था, राइट. तो अगर मैं बात करूँ हमारे इसकी सोर्स पाथ, ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
ओके तो यहाँ पे चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में और जो हमारे ऊपर वाली लाइन थी उसमें कितने का फ़र्क है 85। अगर हम 130 से 85 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, 15 एंड प्लस 30, यस 45। तो सो व्हाट आई विल डू कि जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं चूज़ क्वालिटी वाली, तो उसमें और इसमें हम 45 का फ़र्क रख लेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 160 प्लस 45 करूँ तो यहाँ पे जाएगा 205, राइट। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, एक बार रन करके चेक कर लेते, चूज़ क्वालिटी एग्जैक्ट इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब हम बाकी चीज़ों को इसके आगे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको करेंगे क्लोज़, और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे ऊपर थे लाइक ये चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी और पाथ टेक्स्ट में कितने का फ़र्क था। तो यार ये इनमें जो डिफरेंस है वाई एक्सेस पे वो हमारा है 30 पिक्सल्स का, राइट। तो जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है चूज़ क्वालिटी, ओके, उसके आगे ये है हमारा, तो 30 का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 235, ओके। देन अगेन ये भी हमारा सेम ही उसी डायरेक्शन पे होगा, तो मैं इसको भी कर देता हूँ 235, सॉरी शुड बी 235 नॉट 135, राइट, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ हमारी प्रॉपरली शो हो रही हैं या नहीं। ओके तो एवरीथिंग इज़ ऑन राइट प्लेस, बट हमें इनके नेम थोड़े से चेंज कर देने चाहिए क्योंकि हमारे सिंगल पे भी सेम हैं और डबल डायरेक्टरी वाले बबल पे भी सेम हो गए, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करके चूज़ क्वालिटी का रख दूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट DIR क्वालिटी, सेम यहाँ पे मैं कर दूंगा क्वालिटी DIR पाथ, ओके। देन अगेन क्वालिटी जो हमारी कॉम्बो बॉक्स है इसकी जगह पे मैं कर दूंगा यहाँ पे लाइक क्वालिटी DIR कॉम्बो, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी DIR कॉम्बो। तो अब अगर मैं फिर से इसको करूँ रन, ओके, देन कंप्रेस मल्टीपल इमेज पे क्लिक करें, तो आई थिंक सारी चीज़ें हमारी एकदम परफेक्ट प्लेस पे हैं। जो अब हमें एक चीज़ करनी है, दैट इज़ यहाँ पे एक बटन चाहिए कंप्रेस का, राइट। तो अब जल्दी से उसको भी ले आते हैं, कहाँ से लेके आएंगे, हमने ऊपर बनाया है सिंगल बबल वाले में, ओके। तो पहले आते ही हमने हेडिंग लिखी है यहाँ पे, तो वहाँ पे इसकी हेडिंग और जो हमारा सिंगल बबल फ्रेम पे जो हेडिंग है उसका नाम सेम हो गया है, जस्ट लेट मी चेंज इट। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसका आगे जाके यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हमें शो ही करवाना था, लेकिन फिर भी यू नो जितनी भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सॉरी प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्फ के साथ आपने लिखी है, उन सब के नाम अलग अलग होने ही चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, हमारे सिंगल बबल एक्सपेंडेड से मैं इसको कर लूँगा कॉपी कंप्रेस इमेज वाले बटन को, और यहाँ पे लाके हम कर देंगे पेस्ट, और भाई इस पे लिख देंगे कंप्रेस इमेज की जगह पे कंप्रेस डायरेक्टरी, ओके। परफेक्ट, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं रन भाई, तुम्हारा बटन यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्यों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि हमने इसको कर दिया सिंगल बबल एक्सपेंडेड के ऊपर, ये भी हमें चेंज करके क्या करना था डायरेक्टरी बबल एक्सपेंडेड, राइट। तो डायरेक्टरी बबल एक्सपेंडेड मैंने इसको कर दिया, और अब हम इसको करेंगे फिर से रन, ओके। तो बटन थोड़ा सा पास में आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं वाई एक्सेस से, तो इसको 280 पे है, तो अगर मैं 290 पे कर दूं, लेट्स से हमारा कितना नीचे जाता है, ओके परफेक्ट, राइट। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि अब हमारी दोनों जो भी विंडोज़ हैं वो हमारा लेआउट तैयार हो गया है, राइट। तो अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, वही कोड जो जिससे हमने यू नो कोड को कंप्रेस किया था इन द स्टार्टिंग, कोड को नहीं सॉरी इमेजेस को कंप्रेस किया था, ओके। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।